वायरस से बढ़ती महामारी को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन में गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हरदोई में सामाजिक संस्था इंडियन रोटरी बैंक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है और भूखों को भोजन करवा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, जिसके चलते आश्रयहीन दैनिक मजदूरी सहित जरूरतमंद लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। उनकी मदद के लिए इंडियन रोटी बैंक, जो कि अपने कम्युनिटी किचन में स्वयं खाना पकाकर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रही है। इंडियन रोटी बैंक के संस्थापक विक्रम पांडे ने बताया कि इंडियन रोटी बैंक को हरदोई जिला प्रशासन ने कम्युनिटी किचन सेंटर शुरू करने का भी मौका दिया, जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से भूखे गरीबों को भोजन व राशन उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। खाने में अलग अलग तरह की सब्जी होती है, कभी पनीर आलू की सब्जी तो कभी दाल व कड़ी चावल होता है, जो कि जरूरतमंदों को बिठाकर खिलाया जाता है। दिन भर लगभग 500 लोग भोजन करने आते हैं। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। जरूरतमंदों को एक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय संस्था इंडियन रोटी बैंक, जो विगत लॉकडाउन के लगातार ही सूखा राशन और भोजन आदि सामग्री दे रही थी, लेकिन जो वृहद स्तर पर लगा कि ऐसे जन सहयोग की आवश्यकता, ऐसे बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर और दैनिक कमाने वाले लोगों की भरमार थी, जिनको दोनों पहर या आधे पेट या भूखे पेट सोना पड़ता था, उस बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने एक सामूहिक साझा किचन, सामुदायिक रसोई के रूप में माँ अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है यहाँ नवीपुरवा में। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और भी अधिकतम ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं या ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, उनको हम यहाँ ससम्मान उचित अच्छा पका हुआ भोजन उपलब्ध कराएं। लगातार हमारा ये प्रयास है और आगामी लॉकडाउन तक भी हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.